नमस्कार, न्यूज में भारत देख रहे हैं, आप मैं जुशान आपके साथ। और शुरुआत सबसे पहले इस बुलेटिन की एक ब्रेकिंग खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर निकली है। जी हां, यहां पर अधिवक्ता राजीव कुमार के आवास पर छापा पड़ा है। आवासीय कार्यालय पर बंगाल पुलिस ने छापा मारा है। मामले में सर्च वारंट लेकर पहुंची बंगाल पुलिस। मामले से जुड़े दर्ज पीआईएल को खंगाल रही है बंगाल की पुलिस। ये बड़ी खबर इस समय की। कोलकाता में आपको जानकारी देना चाहेंगे, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपए के साथ हिरासत में लिया, जैसा कोलकाता पुलिस का कहना है। और जो चीजें सामने आई है कि एक बिजनेसमैन के खिलाफ पीआईएल दाखिल किया था अधिवक्ता राजीव कुमार ने, और पीआईएल को वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जो कथित तौर पर सामने चीजें आई है। और मामला 1 करोड़ में तय हुआ था। उसी की अग्रिम राशि 50 लाख रुपए के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को बंगाल की पुलिस ने हिरासत में लिया, ये बंगाल पुलिस का कहना है। और जानकारी आपको हम दे दें यहां पर कि इस समय बंगाल की पुलिस अधिवक्ता राजीव कुमार के आवासीय कार्यालय में आवास में छानबीन कर रही है, और यहां पर कई कागजातों को ढूंढा जा रहा है। मसलन पीआईएल से जुड़े कागजात भी बंगाल की पुलिस तलाश कर रही है। अरगोड़ा थाने को इसकी सूचना दे दी गई थी। सर्च वारंट लेकर बंगाल की पुलिस पहुंची है रांची। अधिवक्ता राजीव कुमार के आवास पर इस समय बंगाल की पुलिस, पिछले 3 से 4 घंटों से बंगाल की पुलिस अधिवक्ता राजीव कुमार के आवासीय कार्यालय में छापा मार रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अधिवक्ता राजीव कुमार का घर है, उनका आवास है, और खाकी वर्दी में जो आप देख रहे हैं वो बंगाल की पुलिस है। सर्च वारंट लेकर पहुंची बंगाल की पुलिस छापा मारने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।